गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टॉपिक अपना जो चल रहा था वो था अपने पास हकल्स रूल। हकल्स रूल्स में अपन जो डिस्कस कर रहे थे, हकल्स रूल्स के एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे, और हकल्स रूल्स में अपने पास जो फॉर्मूला था अपने पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो फॉर्मूला अपन चल रहे थे उसमें एन की वैल्यू अपन ने 0 रखी थी, और एन की वैल्यू अपन ने क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। जब अपने पास एन की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो अपने पास जो सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। कौन सा सिस्टम हो रहा अपने पास है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो कंपाउंड्स क्या होगा अपने पास, एरोमेटिक सिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है अपने पास, जो एन इक्वल टू क्या रख रहे हैं अपन, वैल्यू 1 रख रहे हैं। जब एन इक्वल टू वैल्यू अपन 1 रख रहे हैं तो एन इक्वल टू वैल्यू में अपने 5 मेंबर रिंग देखी, एन इक्वल टू वैल्यू में अपन ने 6 मेंबर रिंग देखी। अब एन इक्वल टू वैल्यू अपने पास जो होगी वो आपके पास क्या होगी, एन इक्वल टू अपन ने 1 रखा तो आपके पास 6 मेंबर रिंग के बाद में अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो थे ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन। कौन सी डिस्कस कर रहे थे अपन, ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन, जिसकी क्या बनानी है अपन को, अनुनादी संरचनाएं बनानी है, ठीक है भाई। ये होता है ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन। यदि अपन ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन की बात करें तो ट्रोपोलियम कार्बोकैटाइन में आपके पास देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हैं, 2, 2, 4 व 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। कंपाउंड क्या होगा भाई, कंपाउंड क्या होगा अपने पास, एरोमेटिक होगा। कंपाउंड क्या होगा अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, राइट। अब अपन इसके अनुनादी संरचनाएं बना रहे थे, लास्ट का जो अपने लेक्चर था उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो अपन इसकी